पीछे जाके हम देखें कि हमारी आपके सामने हैसियत क्या है। कोई हजार में से एक बनता है, एक लाख में एक बनता है, एक करोड़ में, एक अरब में भी हम बनते हैं एक फितर। उस कैफियत में आप मुलायदा कीजिए कि आपको कोई औरत आती है, आपको पकड़ के ले जाती है, आप उसकी बात सुनते हैं, जबकि जा रहे हैं आप, आपका डेलीगेशन है, आप किसी सफर में किसी मसरूफियत में, आप पकड़ते हैं आपको। आदि बिन हातिम, हातिम ताई मशहूर है, उनके बेटे हैं आदि, वो भाग गए हैं मुसलमान बाद में हुए। वो आदि बिन हातिम जिस नुकते पर एक औरत एक आम कोई औरत आई है उसके पास सुनने के लिए, आपके साथ कोई अराबी आता है वो आपको चादर पकड़ता है और मांगता है, हमें कोई हम खाना खा रहे हैं और हमें कहते हैं रोटी देते हैं, हम उसको धुतकार देते हैं, तो बात करके बैठ के किसी होटल वोटल में किनारे के कढ़ाई मंगा ली, रोटी मंगा ली, दोस्तों को चल जाता है, लोग आ जाते हैं भीख मांगने वाले, हम क्या करते हैं उसके साथ, और सही करते हैं, कोई गलत भी नहीं है, जाहिर है कि कोई तरीका नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं और वो आगे हाथ फैला दें। आप पहले तो उस वक्त किसी काम में मसरूफ हैं और वो आगे कह रहे हैं सबको देते, मुझे नहीं दे भाई, कोई लाजिम है देना, यानी यहाँ पे आके मेरे दफ्तर में 10 साल घुस जाएंगे, तुमने 200 साल 10 साल पहले फला आदमी के पैसे दिए थे, 10 साल में तुमने मुझे दिए थे, भाई उसने मांगे थे या मैंने उसको देखा दे दिए, तुम उस पर लादे में क्या, मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को पैसे बांटता फिर, और क्या ऐसा कोई कर सकता है, मुमकिन है हर आदमी को पैसे देना रहे के लिए। आप लोग जरा दफ्तर चाहिए उसको ना डांटते हैं ना छिड़कते हैं, सिर्फ एक दरख्वास्त के लहजे में कहते हैं मेरे दादा को छोड़ दो, और फिर अपने साथियों को इशारा करते हैं सारे देश के लिए। ये उस्ताद की हैसियत है, अल्लाह से माने आपकी वालदा आपके पास छोड़ के जाती है सिर्फ इसलिए के लिए सीख लें, 10 साल के बच्चे हैं आपके पास जब आए मदीना मुनव्वरा की जिंदगी में, लेकिन इस तरह आपके साथ रहें कि आपका लकब खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तारीख में सीरत में उनका लकब है खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसी और साहबी के लिए लोग इस्तेमाल नहीं हुए। यह नतम मालिक नाराज आप काम कहते हैं वो कैसे नाराज होकर चले जाते, बच्चा है ना 10-12 साल के नाराज, क्या उम्र होगी जब वो गए करते, अब वो आपका ना गुलाम है ना मुलाजिम है ना आपका कोई भांजा है भतीजा है पोता है नवासा कुछ भी नहीं है, उसके अम्मा ने कहा कि इसकी आपकी खिदमत करेगा, यदि ज़बरदस्ती गले पड़ा हुआ बच्चा है ना आज की जबान में, वो अगर नाराज होकर जा रहा है तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा उसको, तो जो 2 लातें मारूंगा नहीं मारूंगा उसके अम्मा को कहूँगे तत्वी बच्चे को मेरे पास भेज दिया मैंने 5,000 अपने बालों को दी, यही होगा ना। आप अरे चला करते थे उफ तक नहीं चला गया ढूंढते रहे, जब वक्त हो गया तो बजाय इसके कि आपको गुस्सा है आप परेशान हुए कि बच्चा है नाराज होकर निकला है पता नहीं कहाँ चला गया, आप उसको ढूंढते फिरे अकेले खुद मदीने में, आपके पास उस वक्त मदीने में 2-4 आदमी नहीं थे तो उनको भेजे आ रहा है निकल गया देखो जरा कहाँ है, खुद निकले ढूंढते देखा तो कोई खेल कूद हो रहा है होगा तो भेजवा लगा होगा बच्चा है वहाँ निकले खड़ा हो गया, तो आप अरे सलाह तो तुम्हें उसके पास जाते हैं पीछे से जाकर उसको मिले अनस ये तुम्हें मैंने काम कहा था तो कर दूँ। इसके तबीयत में अंदर जाना से मालिक ने या अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी और बच्चा हो उसने ये कैफियत अपने बड़ों की देखी हो दोबारा कभी वो इज्जत करेगा दोबारा कभी उसमें इनराफ का रवैया पैदा होगा दोबारा कभी वो किसी की गलत तो किसी की बात को रद्द करने का हौसला महसूस करेगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की बात करती है तीन बुनियादी पहलू ऐसे हैं कि अगर ये उस्ताद की हैसियत से हमारे एक एक उस्ताद की ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो हमारे माशरे में जो उस्ताद और तालीम का सिलसिला है ये सिर्फ नहीं इल्म और अमल का जो खला पैदा हो गया ये भी अल्लाह ताला हमें खुद की तौफीक अता फरमाएगा सारे चले यार वो प्रोग्राम थे ना प्राइमरी उस्ताद जो सारे बुरा जो कभी प्रोग्राम हो ना आपका प्राइमरी बेस्ट पे तो हमें जरूर मदद करना इंशाल्लाह।